दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह सहित अन्य शिक्षकों ने पौधरोपण कर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। वन महोत्सव के तहत आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने राजनीति विज्ञान विभाग दीक्षा भवन और NSS कार्यालय परिसर में पीपल के पौधे लगाकर किया तथा सभी को पौधरोपण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में एक दिन पूर्व हुई ऑनलाइन बैठक में विश्वविद्यालय को 1,00,000 पौधरोपण करने का लक्ष्य दिया गया था। पौधरोपण कार्यक्रम में महाविद्यालयों का भी सहयोग लिया जाएगा। पौधों के संरक्षण के लिए NSS, NCC, रोवर्स, रेंजर्स और DSW कार्यालय को 25,000 पौधों का लक्ष्य दिया जाएगा। पौधों के संरक्षण की कार्ययोजना भी बनाई जाएगी। इस दौरान प्रोफेसर रजनीकांत पांडे, प्रोफेसर सतीश चंद्र पांडे, प्रोफेसर अजय सिंह, प्रोफेसर रूसी राम महानंदा, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद, प्रोफेसर विनय सिंह, प्रोफेसर विनीता पाठक, NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर केशव सिंह, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, दीपेंद्र मोहन सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, एक लाख हम लोग लगाएंगे तो इतनी बड़ी अजीब से है, 1,00,000 हम लोग सारे आप बता दीजिए ये NSS वाले कितना करवा रहे हैं, NCC वाले कितना करवा रहे हैं, ये कितना करवा रहे हैं। दवाई पौधे का 1 साल बाद जो है पौधे का रेस्पॉन्स देखे कि कितने पौधे आपने लगाए और कितने पौधे 1 साल बाद भी बचे। आप जान रहे हैं कि वन महोत्सव पे ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, इस सिलसिले में 30 करोड़ पौधे लगने वाले हैं इस सीज़न में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग करीब 500 पौधे तो अपने कैंपस में लगवाएंगे DDU, और हर कॉलेज में आदेशित किया जा रहा है कि 30 पौधे हर कॉलेज लगाए। तो इस तरह से टारगेट है कि लगभग 1,00,000 पौधे के सारे ज़िलों में, हमारे 3 ज़िलों में और हमारे सारे कॉलेजों के माध्यम से हम टारगेट करके चल रहे हैं। और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, तो हम अपने स्टाफ को लगा रहे हैं कि कितने पौधे रिकवर किए उसकी भी रखा जाएगा। इसमें NSS का अलग टारगेट दिया जाएगा, NCC को अलग टारगेट दिया जाएगा, रोवर्स रेंजर को अलग दिया जाएगा और DSW ऑफिस को अलग दिया जाएगा।
वो लोग 25,000 पौधों का टारगेट लेके चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, रेगुलर रिपोर्ट जमा करेंगे। तो ये इस तरह से उसका संरक्षण जरूरी है, तो इस तरह से कार्यक्रम चलेगा, कई दिनों तक चलेगा।